उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 26 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 387 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने गुरुवार को जानकारी दी कि राज्य में बुधवार रात तक कोरोना वायरस से संक्रमित 26 नए मामले मिले हैं। राज्य में इस वायरस से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 387 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हजारों लोगों की मौत के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसे संकेत हैं कि महामारी को रोकने के लिए अपनाई गई आक्रामक रणनीति काम कर रही है और नए मामलों की संख्या में स्थिरता आ रही है। चीन में कोरोना वायरस के 63 नए मामले की पुष्टि हुई, जिनमें से 61 मामले दूसरे देशों से चीन में आए लोगों के हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के फिर से फैलने की आशंका बढ़ गई है, जबकि इस वैश्विक महामारी के केंद्र रहे वुहान में 76 दिन बाद बुधवार को लॉकडाउन हटा दिया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए एक डॉक्टर की आज कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका उपचार पहले गोकुलदास में, उसके बाद CHL में चल रहा था और फिर उन्हें अरविंदो में शिफ्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में गुरुवार को 47 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रदेश में इससे प्रभावित की संख्या बढ़कर 388 हो गई। वहीं इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 30 मरीजों की मौत भी हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर में 40 नए मरीज मिलने के बाद वहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 213 हो गया। झारखंड में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या एक दिन में ही दुगुनी हो गई, जबकि बोकारो में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। रोगियों में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम से लौटे लोगों की भी संख्या अधिक है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने ये जानकारी दी। अमेरिका में घातक कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क है, जहां हुई मौत देश भर में होने वाली मौतों का लगभग आधा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा बुधवार रात 8:30 बजे के अनुसार अमेरिका में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से 1973 मौतें दर्ज की गई, जिससे अमेरिका में मृतकों की कुल संख्या 14,695 हो गई है। अमेरिका के मृत्यु आंकड़ा अब स्पेन से अधिक हो गया है, जहां 14,555 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या गुरुवार को 413 हो गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि झालावाड़ से 60, झुंझुनू से 60, टोंक से 60, बांसवाड़ा से 2, पोखरण जैसलमेर से 5, बाड़मेर में 2 और व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। फिल्म निर्माता करी मोरानी के बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कुछ दिन पहले उनकी बेटियां जोया और शाजा भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। उनकी पत्नी और घर के कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना के संक्रमण की चपेट में लगातार डॉक्टरों के आने के बाद अब भोपाल नगर निगम ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तैयार किया टेस्टिंग बूथ। इसमें डॉक्टर सुरक्षित रहकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। नगर निगम की केंद्रीय कर्मशाला में तैयार हुआ ये खास बूथ, इसमें डॉक्टर बिना मरीज के संपर्क में आए उसकी जांच कर सकेंगे।